हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हॉट एयर गन। गाइस, आप इसे थोड़ा मॉडिफाइड करके इसे हेयर ड्रायर भी बना सकते हो। गाइस, बस आपको नाइक्रोन वायर कम लगाना है तो गाइस ये हेयर ड्रायर की तरह वर्क करने लग जाएगा और देखना बाल नहीं जल जाए। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 75 mm का PVC पाइप एंड इसकी लेंथ है 15 cm। इसके आगे लगेगा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना रिड्यूसर एंड ये बहुत नन्ना मुन्ना है आगे से, तो आपको इस तरह का रिड्यूसर लेना है। ये भी 75 mm का है। यह हमने लिया है नाइक्रोन वायर, इसका हम बनाएंगे हीटिंग एलिमेंट। गाइज, आपको ये 20 से 25 रुपए में नाइक्रोन वायर मिल जाएगा, तो आप बहुत बोर हो रहे होंगे। तो गाइज, आप एक फटाक से हम बना लेते हैं एक हीटिंग एलिमेंट। कुछ इस तरह से मैंने इस एलिमेंट को तैयार कर लिया है एंड मैंने इसके ऊपर लगाया है नाइक्रोन वायर एंड ये नाइक्रोन वायर का एक पॉइंट मैंने इस पर लगा दिया है एंड नाइक्रोन वायर का सेकेंड पॉइंट मैंने इस पर अटैच कर दिया है। तो गाइज, इसके ऊपर मैंने लगाई है माइका शीट, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहती है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे फिनिशिंग से लगा दी थी एंड इसमें थोड़ी बहुत मेहनत भी लगी थी मेरी। इसके ऊपर मैंने लगा दी थी एल्युमिनियम की शीट कुछ इस तरह से एंड थोड़ा सा ये लॉक कर दिया था, यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया था, आप थोड़ा सा देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने लॉक कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ये निकलेगा नहीं, एकदम परफेक्टली टाइट हो जाएगा, तो ये निकलेगा नहीं, नाइक्रोन वायर फैलेंगे नहीं। कुछ इस तरह से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया है एंड बहुत सिंपल रहता है इसे बनाना। ये एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, तो इसके दो पॉइंट्स ये हैं एंड दो पॉइंट्स ये हैं, तो इस पे लगते हैं एसी के वायर एंड ये इधर कर देता है डीसी में कन्वर्ट, तो इससे हमारी एक मोटर चल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैंने इसे बनाया है। मैंने डायोड पर किस तरह से वायर कनेक्ट करे हैं मैं आपको बता देता हूँ एंड ये देख सकते हो एसी करंट वाला वायर मैंने एलिमेंट के वायर पर अटैच कर दिया है एंड ये सेकंड एलिमेंट का वायर रहता है उसे मैंने डायोड के एसी करंट वाले वायर पर अटैच कर दिया है एंड ये देख सकते हो एसी करंट वाले वायर पे मैंने एसी करंट का वायर अटैच कर दिया है। ये दो बीच में आपको वायर दिख रहे होंगे, ये दोनों वायर हमारे लग जाएंगे मोटर पर। आप डायोड बनाना सीख सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको वीडियोस, इसलिए मैंने डायोड का बताया नहीं क्योंकि बहुत लोगों को पता रहता है। एंड इन दोनों पॉइंट पर हम एक मोटर शॉर्ट कर लेते हैं। मोटर भी मैंने कनेक्ट कर ली है, इन दोनों वायर पर हमारा रेगुलेटर लग जाएगा और बहुत सिंपल है इन दोनों वायर पर रेगुलेटर को अटैच करना। ये रेगुलेटर 1000 वॉट का है एंड हमारे कॉइल भी 1000 वॉट की है, तो कंट्रोल कर लेगा इजली हमारा मोटर को धीरे कम तेज करना का इसका सिस्टम रहेगा। कॉइल भी लो हो जाएगी जब हमारा रेगुलेटर से हम करंट लो करेंगे। अब इस पूरे एलिमेंट को हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं, तो मैंने इसके ऊपर पेंट कर लिया है। इसके जो हैंडल है ना, इस पर भी मैंने येलो कलर का पेंट कर लिया है। हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा एल्युमिनियम शीट, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, थोड़ा सा आपको बैंड करना है, देन इसके बाद ये इस तरह से लग जाएगी। इसके अंदर एक लगा दिए मैंने, ये सेकंड वन को भी मैं लगा देता हूँ। मैंने इसे इस तरह से लगा लिया है एंड आप सोच रहे होंगे इसके आगे हॉट होके ये पिघल जाएगा, बट गाइज आपको है ना इसके अंदर लगा लेना है सिल्वर पेपर, इसके यहाँ पर लगा लेना है। हमने अंदर तक तो इस एल्युमिनियम शीट को लगा दिया है तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज मेरे पास अभी है नहीं और इतना सा टुकड़ा मिलता नहीं है, तो आप लगा सकते हो और वैसे ये बहुत मोटा है तो ये पिघलेगा नहीं आसानी से। एंड इस मोटर को लगाने के लिए हमें चाहिए रहेगा छोटा सा PVC पाइप है एंड इसके आगे हमें कुछ इस तरह का हमें टुकड़ा ले लेना है एंड इसे इसके ऊपर रखना है एंड इसके ऊपर लगा देना है फेविक्यूक। हमें मोटर लगाना है ना, उसके लिए हम कर रहे हैं एंड ये मोटर फिक्स हो जाएगी इसके अंदर। तो पहले तो हम इस मोटर को इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने इसे बना लिया है एंड इसके वायर जो मैं भी रेगुलेटर के निकाल दिए हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ज्वाइंट कर लूँगा। मैंने तो आपको बता दिया था किस तरह से आपको कनेक्शन करना है। प्रोपेलर भी लगा दिए एंड ये सब लगा दिया है एंड अब हमें इसके अंदर इसे फिक्स करना है, इसके अंदर फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर है ना, ये वायर इन्हें इस होल में से निकाल देते हैं। मैंने कुछ इस तरह से इसे मोटर को लगा दी है एंड ये देख सकते हो आप, इसे के साथ में नहीं लग रहा था, ये नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे अलग रख दिया। आप
थोड़ा बड़ा पीवीसी पाइप लेके इस तरह के पीवीसी पाइप के साथ भी लगा सकते हो उसे, बट मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है एंड ये अच्छे से वर्क करेगा। एंड वायर्स को मैंने इधर चिपका दिया साइड में, आप देख सकते हो। मैंने इसके अंदर रेगुलेटर का कनेक्शन कर दिया है, अब मैं इसके अंदर लगा देता हूँ इसे। रेगुलेटर को कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया है एंड अब इसे पैक कर देते हैं। मैंने बना लिया इसके पीछे का कैप एंड ये पीछे से हवा को खींचेगा एंड बाहर फेंकेगा। तो अब मैं थोड़ा सा है ना इस तरह से बना लेता हूँ, अब मैं इसे कट भी कर लेता हूँ। मैंने इसे कुछ इस तरह से काट लिया है एंड अब मैं इसे फेविक्विक से अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। ऑल राइट गाइस, हमारा हॉट एयर गन बनके रेडी हो चुका है एंड अब चलते हैं टेस्टिंग की ओर। गाइस मैं इसे ऑन कर देता हूँ एंड गाइस ये थोड़ी सी है ना इससे अड़ रही है और ये ना अच्छे से एयर इनहेल भी नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा इसे निकाल देता हूँ, क्योंकि गाइस आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ किस तरह से ये वर्क कर रही है। गाइस मैं अभी इसे निकाल के साइड में रख देता हूँ क्योंकि गाइस ये अच्छे से एयर इनहेल नहीं कर पा रही है। एंड गाइस अब मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको बताते हूँ कितना गर्म हो रही है अंदर से ये। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी फास्ट चल रही है एंड गाइस ये देख सकते हो कितनी रेड हो चुकी है और बहुत तेज हवा भी आ रही है। एंड गाइस मैंने अभी थोड़ा सा बंद कर दिया इसे क्योंकि गाइस थोड़ी इसकी नॉइज ज़्यादा आ रही थी और मैं बोल नहीं पा रहा था इतने अच्छे से, क्योंकि गाइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको भी। गाइस मैं अब आपको चेक करके बता देता हूँ। गाइस ये इस तरह से बैंड हो रही है और गाइस इतनी ज़्यादा भी बैंड नहीं हुई है ये, बट गाइस आप ज़्यादा नाइग्रोन वायर लगा सकते हो क्योंकि गाइस थोड़ी सी हीट कम पड़ रही थी इसे करने में और गाइस थोड़ी ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो चुकी है। तो गाइस अब एंड करते हैं एंड गाइस आप चाहे ज़्यादा नाइग्रोन वायर लगा कर इसे बहुत अच्छे से बना सकते हो। एंड गाइस वोल्टेज मैंने कम करे ना तो मोटर बंद हो गई थी क्योंकि गाइस मोटर पे बहुत लोड पड़ रहा था। तो गाइस आप रेगुलेटर लगा सकते हो पर छोटी मोटर लगाना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी मोटर। एंड गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।